सरकार गरीबों के लिए योजना और राशन वितरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन खातेगांव में गरीबों के हिस्से के राशन का लंबे समय से अवैध परिवहन कर बाजार में बेचा जा रहा है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नेमावर पुलिस ने गरीबों को उपलब्ध कराए जाने वाले शासकीय चावल का अवैध परिवहन करते हुए पिकअप वाहन को पकड़ा है। चावल का परिवहन बिना किसी दस्तावेज के किया जा रहा था। खाद विभाग और तहसीलदार को पत्र लिखकर सूचना दी गई है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान से कर्मचारी अपने मिलने जुलने वाले व्यापारियों को चावल गेहूं अवैध तरीके से बेचते हैं। अवैध चावल की गाड़ी को ग्रामीण क्षेत्र के गाँव से निकाला जाता है, जिससे पुलिस या प्रशासन को भनक न लगे, लेकिन इस बार मामला पुलिस तक पहुंच ही गया। गाड़ी का नंबर MP05G8339 है। चेक करते हैं, उसमें हम लोग को चावल की कट्टियाँ मिली हुई हैं। जो कट्टियाँ हैं सफ़ेद रंग की और उस पर सोसाइटी का मतलब अंकन है, मतलब वो सोसाइटी का माल है, सरकारी माल है। और ड्राइवर से इसके संबंध में पूछताछ की गई, बिल बिल्टी पूछा तो उसके पास कुछ भी नहीं होना पाया गया, जिसके संबंध में उक्त आयसर हम लोग थाने पर लाए हैं। आयसर में करीबन 40 क्विंटल चावल है जो सोसाइटी सरकारी माल है, जिसका हमने अवैध परिवहन करते हुए पाया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग, तहसीलदार महोदय और खाद्य विभाग को हम लोगों के द्वारा सूचना दी गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।